नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto E40 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto E40 में 6.5 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Moto E40 से कम है। विड्थ की बात करें तो Moto E40 में 2.98 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Moto E40 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Moto E40 में 0.36 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto E40 में 198 ग्राम जबकि Redmi Note 11 4G में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Moto E40 में IPS LCD जबकि Redmi Note 11 4G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto E40 में 6.5 इंचेस जबकि Redmi Note 11 4G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto E40 में 720x1600 और Redmi Note 11 4G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto E40 में 81.72% जबकि Redmi Note 11 4G में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto E40 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto E40 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 4G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Moto E40 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi Note 11 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto E40 में Mali-G52MP2 जबकि Redmi Note 11 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto E40 में Unisoc T700 और Redmi Note 11 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto E40 में 4 GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi Note 11 4G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB, 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto E40 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi Note 11 4G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 64 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto E40 में अप टू 1 TB जबकि Redmi Note 11 4G में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Moto E40 में 2 कलर्स जबकि Redmi Note 11 4G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto E40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11 4G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो E40 में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi Note 11 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Moto G22 4G है, तीसरा Tecno Pop 5 LTE है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola G31 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।